be a crybaby in the interview and not try to sell yourself emotionally. Yeah, मुझे ये job चाहिए because मुझे बहुत requirement है. ऐसे नहीं है. अपने को भीख नहीं मांगनी है किसी भी job में जाने. I mean, you might be growing through a rough patch in your personal life. Yeah, फिर भी बताओ कि why do you want to leave the current organization? Why do you want to join us? तो इसको थोड़ा सा positively बनाओ. Make it in a way कि यार you want to do something. You want to prove yourself and grow yourself professionally. Next is be confident and be prepared about the company. आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए. वो कहते हैं कि भूल होना एक प्रकृति है इंसान की. मान लेना संस्कृति है और सुधार लेना वो प्रगति है. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं जब हम इंटरव्यूज के लिए जाते हैं और कैसे किन चीजों का ध्यान रखें सो दैट वी कैन पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड फॉर द इंटरव्यू. तो क्या मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस इन वीडियो. नेवर एवर एवर क्रिब अबाउट योर लॉस ऑर्गेनाइजेशन. कभी भी उसके बारे में नेगेटिव मत बोलिए. देखो, अगर आप मेरे पास आ रहे हैं इंटरव्यू के लिए और मैं आपसे पूछता हूँ कि यार व्हाई डू यू वांट टू लीव योर लास्ट कंपनी इन केस यू हैव बीन वर्किंग, मुझे भी उसका आंसर पता है. मोर और लेस तीन रीजंस हो गए. पहला कि एक तो पैसे बढ़ने चाहिए मेरे, दूसरा कंपनी बहुत अकेली है, तीसरा बॉस बहुत ही बेकार. मोर और लेस 90% ऑफ द रीजंस यही होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लीव करने के लिए या कहीं और जाने के लिए. तो यहाँ पर थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली प्ले कीजिएगा इन वाले आंसर्स के लिए. लाइक दे लिटिल डिप्लोमेटिक इन आंसर्स लाइक दिस. फॉर एग्जांपल कि एक्स वाई जेड हैज बीन अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर, बट आई रेकन आई कैन कंट्रीब्यूट मच मोर देन करंटली. बट अगर आप कहेंगे कि आई वांट टू लीव बिकॉज़ दे डोंट पे मी वेल, तो एज एन इंटरव्यू मैं सोचूंगा कि यार मेरे साथ भी तो ऐसे ही करेगा, कहीं और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो वो वहां पे चला जाएगा. अगर आप बोलेंगे कि यार मेरे आवर्स वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, तो एज एन इंटरव्यू मैं सोचूंगा कि यार व्हाट विल हैपन व्हेन ही और शी इज आस्क्ड टू वर्क लेट राइट विद माय ऑर्गेनाइजेशन. अगर आप बोलेंगे कि यार वहां पर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है, तो एज एन इंटरव्यूअर आई विल थिंक कि यार ये वाला जो पर्सन है शायद हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर नहीं कर सकता, इसीलिए वो प्रेशर से भाग रहा है. एंड अगर फिर भी कोई प्रेस करता है कि या फिर भी बताओ कि why do you want to leave the current organization, why do you want to join us, तो इसको थोड़ा सा पॉजिटिवली बनाओ. Make it in a way कि यार you want to do something, you want to prove yourself and grow yourself professionally. तभी that is the reason you want to join this current organization. क्योंकि as मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप proactively, constructively मेरे से बात करेंगे कि the reasons of you leaving the company rather than bitching about your previous company. Point number two, don't be a crybaby in the interview and don't try to sell yourself emotionally. Yeah, मुझे ये job चाहिए because मुझे बहुत requirement है. ऐसे नहीं, अपने को भीख नहीं मांगनी है किसी भी job में जाने. I mean, you might be growing through a rough patch in your personal life on account of maybe a divorce or a breakup or a loss in your family or business losses or poor health of a close family member or failure to clear maybe the government exam या फिर CA नहीं हो रहा, CFA नहीं हो रहा, ACCA के exams clear नहीं हो रहे. देखो, हर किसी की life में कुछ ना कुछ problem चल रहा होता है, लेकिन जॉब में जाना और इस तरह से इमोशनली बोलना कि यार आई नीड दिस जॉब अर्नेस्टली बिकॉज मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यू आर गिविंग ब्रह्मी पॉइंट्स टू द ऑडियंस. अगर आप एक क्रिकेटिंग एनालॉजी लें, इफ यू टॉक ऑफ द बेस्ट ऑफ बैट्समैन, यू टॉक ऑफ से सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली और रोहित शर्मा, जब भी दे आर हिट बाय अ फास्ट बॉलर ऑन देयर बॉडी, दे डोंट शो एनी रिएक्शन टू इट. मतलब लगता है बहुत जोर से पेन भी होती है, लेकिन वो ब्राउनी पॉइंट्स ऑपोजिशन को नहीं देना चाहते. सेम एनालॉजी विद यू एंड आई ऑल्सो. यार अगर प्रॉब्लम्स है तो है, लेकिन यू आर नॉट बेगिंग फॉर द जॉब. आप जाइए बिकॉज यू डिजर्व टू बी देयर. वंस द अदर पर्सन नो की दैट यू बैडली नीड अ जॉब, दे वुड डेफिनेटली ट्राई टू नेगोशिएट यू फॉर अ लोअर सैलरी अज्यूमिंग दैट यू विल एक्सेप्ट, बिकॉज यार बहुत सारे शार्क्स आउट है मार्केट में. Don't be a crybaby in front of any of your interview. You go for a job because you deserve it. You are talented enough that the company would want to have you because of your talent. Teesri cheez, agar main IIT se nahi hu, IIM se nahi hu, agar main chartered accountant first attempt mein nahi clear kiya, agar main SRCC se pass out nahi hu, to kya मैं disheartened फील करूँ या पहले से ही फील करूँ कि यार maybe I'm a second grade person? नहीं, एक चीज समझिए कि that there is a lot of difference between talent and attitude. Skills can be taught and developed, but attitude is difficult to change. और ये कोई quota system में नहीं कि यार अगर तुम सिर्फ IIT हो या IIMs हो या CA first attempt हो तभी तुम्हें job मिलेगा. There are a lot of companies who need candidates who have positive attitude and they are willing to bend their backs. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सी ए फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर शायद रेजिलियंस का एलिमेंट बहुत ज्यादा है, बिकॉज यू बाउंस बैक टू कंप्लीट योर चार्टर्ड अकाउंटेंट. तो
काफी सारी कंपनीज उस चीज को अप्रिशिएट करती है कि यार ठीक है इसका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं है या दोनों ग्रुप एक साथ भी नहीं है, फिर भी शायद पर्सन के अंदर वो एक्स फैक्टर है दैट उसके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है या हार्ड वर्किंग का स्टेमिना बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो उसको चांस देना बनता है। मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ, वी वर्क विद वन ऑफ द बिग फोर्स, उनका बहुत हमारे क्लियर मैंडेट है, यू नो जो सुपर रिच फैमिली से होते हैं इवन इफ दे आर कैंडिडेट जो एकेडमिकली बहुत ही ब्रिलियंट है वो उनके पास नहीं जाते, मतलब वो दे प्रेफर नॉट टू हैव इट। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, नहीं मैं वो कॉर्पोरेट का नाम बता रहा हूँ, बट मतलब प्रैक्टिकली बिकॉज क्या होता है कि इफ दे आर फ्रॉम सुपर सुपर रिच फैमिलीज तो शायद वो जॉब की इतनी वैल्यू नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर डेडलाइन का प्रेशर है और उनकी अगर कोई छुट्टियां पहले से प्लान है या प्रेशर सिचुएशन है तो उनको इतना शायद वो उस चीज का क्योंकि वैल्यू नहीं करते हैं तो शायद इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि काम हो रहा है ठीक है नहीं हो रहा तो ठीक। उनको उस तरह के कहना कि चलिए जिनके पास शायद हंगर टू प्रूव देमसेल्व्स एंड टू ग्रो प्रोफेशनली इज मच मोर, और ये चीजें यार ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आती है राइट। अगर पहली बार में एग्जाम नहीं निकला है लेकिन आप प्रोफेशनली अच्छे हैं तो कंपनीज रिवॉर्ड करती हैं, अपने ऊपर इतनी वो मत रखती कि यार मैं बिकॉज ये टॉप टीयर कॉलेजेस से नहीं हूँ या मैं फर्स्ट टाइम नहीं हूँ तो शायद मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। इनिशियल लेवल पे शायद थोड़ा बहुत इंप्रेशन पड़ता है बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें एब्सोल्युटली रूल आउट हो जाती है। नेक्स्ट चीज, बी कॉन्फिडेंट एंड बी प्रिपेयर्ड अबाउट द कंपनी। आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए राइट, उसके बारे में मतलब कम प्रिपेयर्ड विद एज मच इन्फॉर्मेशन एज पॉसिबल, जितना कंपनी के बारे में जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करके आइएगा। प्रिपेयर क्वेश्चंस ऑफ योर ओन, डू अ गूगल सर्च या लिंक्डइन पे कंपनी के बारे में देखिए, उनसे पूछिए कि कंपनी का विजन क्या है, क्रेडेंशियल्स क्या है, व्हाट आर दे वांटिंग टू डू, व्हाट इज इट दैट दे वांटिंग टू अचीव, हाउ वुड द कंपनी गिव अ करियर ग्रोथ टू यू एंड हाउ वुड दे हेल्प यू विद द प्रोग्रेशन, एंड विल यू बी वर्किंग अक्रॉस सेक्टर्स या आप एक स्पेसिफिक सेक्टर के ऊपर काम करेंगे। तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं जो इंटरव्यू ले रहा है उसको भी लगता है कि द पर्सन इज इंटरेस्टेड एंड इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कंपनी, तो दैट इंटरेस्ट लेवल शोस। अगर आप इस तरह के काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं तो इंटरव्यू को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में मत रखिए कि उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा उसने मैंने उसको आंसर दिया, मेक इट एज कन्वर्सेशनल एज पॉसिबल। एंड द लास्ट है ऑलवेज, अगर आपका इंटरव्यू हुआ है ठीक ठाक हुआ है तो ऑलवेज यू नो कनेक्ट विद द पर्सन जिसने आपका इंटरव्यू लिया विद अ थैंक यू नोट एट द एंड। फॉर एग्जांपल आपको याद है जब सचिन तेंदुलकर ने अपना फेयरवेल किया था वानखेड़े स्टेडियम में, उसने सबको थैंक्स दिया था फॉर हिज एंटायर जर्नी ऑफ 21 इयर्स जो था, इट वॉज ऑल इमोशनल, हम सबके माइंड में वो एच्ड है। तो ही हैड बीन वेरी ग्रेटफुल एंड विद थैंक्स टू एवरीबडी हु हैड बीन पार्ट ऑफ हिज जर्नी। तो उसी तरह से सेम एनालॉजी में अगर आप जिसने भी आपका इंटरव्यू लिया तो उसको थैंक्स करिए फॉर द टाइम दैट पर्सन हैज गिवन टू यू फॉर टेकिंग अ टाइम टू हैव अ कन्वर्सेशन विद हिम। दिस कर्टियस जेस्चर से होता क्या, इट रीकन्फर्म्स योर इंटरेस्ट इन द पोजीशन एंड पुट्स योर नेम एट द बैक ऑफ द प्रोस्पेक्टिव इंटरव्यूअर्स माइंड कि यार पर्सन हैड द कर्टसी टू यू नो टू सॉर्ट ऑफ थैंक यू फॉर दिस। So don't underestimate the power of personal connection. If you can connect with your interviewer in a personal way, they would think ki yaar this person is an enjoyable person and an affable person jo shayad team ke sath gel karega. To uska impact padta hai, recall value bhi padti hai. तो ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ जो हम पर्सनली हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, जो हमसे अलग अलग तरह के फाइनेंशियल बॉडी का प्रोग्राम हुआ या CFA का या ACCA का या CMA का प्रोग्राम, जो इसके लिए हम उनको प्रिपेयर करते हैं फॉर द डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंटरव्यूज। और अगर आपको इसके ऊपर और डिटेल्स चाहिए विजिट आवर वेबसाइट एट www.thewallstreetschool.com और कॉल अस एट 9953729651. In case you find this video insightful, share with your friends and your colleagues as well. Thanks for watching.